चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तारीख कितनी है? 30। देखो ये जो पूरा बुक है, मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहां गया? ओके, देखो ये जो पूरा बुक है ना 80 पेज का N5, ये पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही है। ओके, मुझे कितना दिन लगेगा मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे को 8 से 9 क्लास लगेगा, पर 12, 13, 14, 15 कितना होता है वो रिकॉर्ड ही बता पाएगा, मेरे को पता भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इसमें इतना चीज है ना डिस्कस करने के लिए कि वो जितना भी पढ़ाने के बाद लगता है कि कम ही पढ़ाए। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं क्यों कम लगता है। इसका रीजन है SFM, मतलब इसका पूरा स्ट्रांग कनेक्शन विथ फिनांस, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम ही देखो चैप्टर का, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन होगा। और बच्चों को अगर फिनांस का आइडिया कम है तो वो आइडिया देने में कितना सारा टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर उसको अकाउंट से कनेक्ट करके, क्योंकि माई आइडिया इज अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुमको पढ़ाना, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना, डिस्क्लोजर्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना। बट द प्रॉब्लम इज कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में बच्चों को आइडिया ही कम है। अब जब आइडिया ही नहीं रहेगा आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? मान लो आपको मालूम ही नहीं कि सेल क्या है, यू डोंट नो व्हाट इज सेल, यू नेवर हर्ड अबाउट इट, तो आप कैसे डेटर्स टू सेल्स लिखोगे, आप कैश टू सेल्स लिखोगे कैसे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो अनलेस एंड अंटिल यू know about the transaction, generalization or accounting will be impossible. Okay, अब problem ये है कि अगर student SFM पढ़ा हुआ है, SFM, inter का FM से नहीं होगा, अगर student SFM पढ़ा हुआ है तो teacher का काम हो सकता है 10 क्लास में हो जाए, नहीं समझे? पर अगर student SFM नहीं पढ़ा, वो भी complete last वाला क्लास के बाद, स्टूडेंट अगर SFM नहीं पढ़ा हुआ है तो टीचर को 12, 13, 14, 15 कितना क्लास लगेगा ये बोलना मुश्किल है। यू गॉट द मैसेज? दूसरी बात, मेरे साथ खाली इतना एडवांटेज है कि हमने SFM पढ़ाया है 15 साल, ठीक है, तो हम वो पल्स पकड़ जान सकते हैं कि बच्चों को कहां कहां पे पेन है, अगर पढ़ लिया है तो भी, और नहीं पढ़ा है तो मुझे क्या बताना चाहिए सो दैट हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। क्योंकि सी बैठ के हम यहां पे SFM तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना रेलेवेंट बात है वो तो बता दे, सो बच्चों को पेन नहीं हो समझने में। अब हम अकाउंट समझाएं और बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़े तो वो भी तो मीनिंगलेस ही हो गया ना, फिर क्या फायदा हुआ मेरे को? वो तो 10 क्लास लिया 12 लिया 15 लिया, अगर वो चीज ही समझ में नहीं आया तो हम तो खाली भाषण देके तो चले गए ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसको आप इस तरह से मत देखना कि यार चीज जो है वो टाइम ज्यादा लग गया। ओके, तो कोई बच्चा जिसका SFM कंप्लीट हो गया है उसको ज्यादा तकलीफ होगा जब हम छोटा छोटा बात पे एक्सप्लेन करेंगे तो, नहीं समझे? अरे क्या बोल रहा आदमी यार, ये तो बेसिक्स है, ये तो हमको मालूम है। और उस बच्चे को लगेगा अरे यार क्या बोला बताओ, कितना बढ़िया लगा, जो बेचारा SFM पढ़ा हुआ नहीं है। तो उस बच्चे से रिक्वेस्ट है, अगर कोई SFM कंप्लीट कर चुका है वो थोड़ा पेशेंस रखे, वो दूसरों को समझने का मौका दे। गॉट इट? स्टार्ट करें। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, दीज 12, 13, 15 आई डोंट नो हाउ मेनी क्लासेस आर गोइंग टू बी द बेस्ट क्लासेस। मतलब जब आप अभी तक जितना भी जगह पे जो भी कुछ पढ़ा होगा, अकाउंट्स, FM, कॉस्ट, टैक्स, जो भी कुछ, मेरे को विश्वास है कि आप बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे अभी आज से जो पढ़ाई स्टार्ट होगा उसको, प्रोवाइडेड एक एक वर्ड जो हम बोलेंगे, एक एक वर्ड उस पर दिमाग लगाओगे,
उस जिसे अभी तक लगाते हो, किसी को भी खाली नहीं जाने दोगे कि नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ मैं बोलूं ना जब कि मुन्ना इसको याद ही करना पड़ेगा, ये अपने बूते का चीज नहीं है, तभी ऐसा करना है। अगर मैं समझा रहा हूं और तुमको नहीं समझ में आया तो तुम परेशान कर देना मेरे को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एकदम खुला दिमाग से कि अपन कुछ बढ़िया चीज पढ़ने जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, एकदम भी ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत मजेदार है। और क्योंकि फिनांस से रिलेटेड डिस्कशन है और उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंजॉइंग। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों को तीन इंडेक्स कवर करना है, 109, 32 और 107, 109, 32 एंड 107। 107 इज अबाउट डिस्क्लोजर्स, जो ऑलमोस्ट इरेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलमोस्ट। उससे आज तक इतने सालों में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे उस इंडेक्स 107 के लिए, क्योंकि मैं अगर छोड़ दिया तो फिर आप छोड़ दोगे, हमको मालूम है। हम लोग क्या करेंगे, मेरे बुक में जहां पे इंडेक्स 107 का नोट है उसको एक दिन बैठ करके दोनों थ्योरी, जैसे रीडिंग होता है ना बुक का, वैसे बुक रीडिंग करेंगे, नोवेल रीडिंग टाइप का। इंडेक्स 109 99% ऑफ द डिस्कशन को कैटर करेगा और इंडेक्स 32 रिमेनिंग 1% को। हार्ड कोर अकाउंटिंग जो है वो 109 में है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट का डिस्कशन है वो। तो सर 32 में क्या है? 32 में प्रेजेंटेशन, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद बैलेंस शीट में कहां लिखना है, पीएल में कहां लिखना है, ओसीआई में कहां लिखना है, कैश फ्लो में कहां जाएगा ये, तो प्रेजेंटेशन का जो एस्पेक्ट है वो 32 में कवर्ड है। तो हम जब 109 पढ़ाएंगे ना, साथ साथ में 32 होता जाएगा। फिर भी हम लोग एक दिन 32 के लिए अलग से टाइम डिवोट करेंगे। जब वापस से हम 32 में टाइम डिवोट करेंगे, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है, ये सब सारा बात तो आप बोल ही चुके हैं। और हम अगर ऐसा बोलेंगे, ये बात हम 32 में बोलेंगे, तो आपको हमेशा एक तो क्वेश्चन मार्क लेके घर जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। ओके, सो लीव 32 एंड 107 बाद के लिए। ओके, एंड लेट मी स्टार्ट विथ 109। आप कॉपी में पहला पैराग्राफ लिखो और हद दर्जा का राइटिंग होगा, ठीक है, भर देना लिख लिख के। लिखिए, इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग थ्री इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रोमन वन में लिखो, इंडेस 109 रोमन टू में लिखो, इंडेस 32 रोमन थ्री में, इंडेस 107। इंडेक्स 109 के सामने नाम लिखो, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, माने उसका नाम है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडेक्स 32 के सामने लिखो, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
प्रेजेंटेशन, इंड एस 107 के सामने लिखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स। तो सर फिर इंड एस 109 भी ठीक से कर देना चाहिए था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो ट्रूली अगर बोले तो 109 इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट है। देखो कोई भी अकाउंटिंग के टोटल चार एस्पेक्ट होते हैं किसी भी स्टोरी में अकाउंट्स का लेकर के, वन इज रिकॉग्निशन, टू इज मेजरमेंट, थ्री इज प्रेजेंटेशन, फोर इज डिस्क्लोजर। एक बुक्स में कैसे लिखें, दो लिखने के पहले जो मेजरमेंट चाहिए मेजर कैसे करें, तीन बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो में कैसे दिखाएं, चार नोट्स में क्या दिखाना है, और क्या होता हमको बताओ एक अकाउंटिंग में। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने ही तो एरिया को कवर करता है। अब क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़ा चीज है तो इंस्टीट्यूट को लगा नहीं इसको डिवाइड कर दें, इतना बड़ा एक साथ करेंगे तो साला 300 पेज का एएस हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के चक्कर में इन्होंने तीन पार्ट कर दिया सेम चीज का। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंड एएस 109 इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, लेकिन ये वर्ड 109 के साथ चिपकाया हुआ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ खाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, नाम के साथ चिपका देना चाहिए था, जैसे इसके साथ चिपका दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ये लिख देना चाहिए था। बट जबरदस्ती हम लोग इसको तिल का ताड़ नहीं बनाएंगे, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, सच पूछो तो इसमें रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ही है। ओके लिखो पैरा टू, व्हाट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर ढूंढेंगे। What is a financial instrument? आंसर है financial instrument एक ऐसा आइटम या इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एक एंटिटी के लिए financial asset है, asset word नहीं financial asset है, और किसी दूसरे financial asset क्या होता आज पढ़ेंगे हम लोग, आज से स्टार्ट होगा। asset क्या है ये आप जानते हो, जो किसी एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल असेट है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए, और हां एंड किसी दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है। रिपीट करने की जरूरत है या समझ में आया मैंने क्या बोला, एग्जांपल देखिए एक्सप्लेन करूंगा, जो बोला वो लाइन पकड़ में आया कि नहीं। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज ए फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड ए एफ एल ऑब्लिक इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑब्लिक इक्विटी फॉर एनदर एंटिटी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डिड यू गेट द पॉइंट। लेकिन यह मत समझना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इन डेज में हम सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, और भी कुछ चीजें अगर इसके अंदर कवर्ड होंगी उनको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे मान लो कोई एक ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है पर फाइनेंशियल असेट है, जी समझे, तो उसका भी डिस्कशन यहां पे होगा। लिखो ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू ए फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड ए
फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी अनुपम एक बार नीचे आओ एनालाइज करो ठीक से बैठ के खुद ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट एनी आइटम दैट कम्स टू द बैलेंस शीट ओके विच इज अ फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड ए फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी तो इसको चलो दो पार्ट में पढ़ते हैं एग्जाम्पल दो देते हैं और आपसे पूछ के अगर आपको इन्वॉल्व करते हैं आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बताओ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट सिंपल मतलब कुछ भाषणबाजी दे के नहीं सिंपल एक ठो एसी और चलो एक ऐसा आइटम का नाम बताओ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताओ जिसमें एक आइटम किसी एंटिटी के लिए असेट है क्योंकि तुम फाइनेंशियल असेट तो अभी पढ़े ही नहीं हो पढ़ोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं पढ़े हो हम पढ़ाएंगे अभी आज और कल एक ऐसा आइटम बताओ जो एक एंटिटी के लिए असेट और दूसरे के लिए लायबिलिटी होता है जो तुमने 11-12 फाउंडेशन से पढ़ा है डेटर क्रेडिटर डेटर क्रेडिटर तेरा वाला बात सेकेंड वाला डेटर क्रेडिटर क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है दो आदमी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट का था बच्चों बात करना हाँ एकदम एकदम बवाल कर देना बात करके और मतलब रोज का डिस्कशन का एजेंडा होना चाहिए ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट से ही पैदा हुआ डेटर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट से ही पैदा हुआ बिल्कुल एक आदमी बैलेंस शीट में डेटर लिख के रखा है दूसरा क्रेडिटर लिख के रखा है लिखा है ना तो किसी एक एंटिटी के लिए एक फाइनेंशियल असेट है या असेट है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इस इंडेस में कवर होंगे बिकॉज दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप शिकायत करेंगे सर इसमें इंस्ट्रूमेंट जैसा क्या है अरे इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है कुछ तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है जो टूल तो क्या एक टूल नहीं है जिससे एक डेटर क्रिएटर पैदा हुआ हम लोग की प्रॉब्लम क्या इंस्ट्रूमेंट माने कोई डिबेंचर या शेयर तो होना ही चाहिए और हमारा प्रॉब्लम है ना यार हमको उससे बाहर आना है क्लियर अब एक और कॉन्ट्रैक्ट बताओ जो तुम्हारी मेरी नजर में इंस्ट्रूमेंट रहा है बचपन से डिबेंचर शेयर टाइप का जो एक के लिए असेट और दूसरे के लिए लायबिलिटी हो डिबेंचर्स और एक के लिए असेट और दूसरे के लिए इक्विटी हो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या खाली बोलना चाहिए इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स जिसने इन्वेस्ट किया उसके लिए असेट है और जिसने इश्यू किया उसके लिए इक्विटी है बोलिए हाँ या ना अब बच्चे क्या प्रॉब्लम खड़ा करते हैं बेचारे वो साला पहला लाइन से समझते मेरा चैप्टर हो गया जिसको पढ़ाने में मान लो मेरे को 15 दिन लगेगा 30-35 घंटा आप अगर अभी बोलेंगे मेरा चैप्टर हो गया तो गलत है ना अब बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया और आपने खरीदा जिसको आप लोग बोलते हो प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट बोला सर वहां तो समझ में आता है कि कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी ने शेयर कैपिटल लिखा कंपनी ने शेयर कैपिटल लिखा और आपने खरीदा तो आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर लिखा यहां तो आपका बात समझ में आता है लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब हम लोग जिसने इन्वेस्ट किया था उसने बेचा और किसी दूसरे बंदे ने खरीदा आप समझ रहे बात को तब इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलेंगे अरे तब इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलोगे मतलब अरे वो शेयर तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं पहले ये बताओ वो सलाह वो अकेला उसके अंदर ये औकात है कि नहीं कि वो एक के लिए असेट और एक के लिए लायबिलिटी है अब अगर मैंने आज बेच दिया तो मेरी बुक से फाइनेंशियल असेट विल बी डीरेकॉग्नाइज्ड और उस डीरेकॉग्निशन का पूरा भाषण देंगे हम तुमको बैठ के कल परसों नरसों और जिसने उस फाइनेंशियल असेट को खरीदा उसकी बुक में दैट फाइनेंशियल असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बट इक्विटी सलाह जिसकी बुक में था वो है कि नहीं आज भी हमको बताओ तो आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं आज
कल तक वो कॉन्ट्रैक्ट सुदर्शन अग्रवाल और रिलायंस के बीच में था, आज वो कॉन्ट्रैक्ट महेश रंगराजन और रिलायंस के बीच में है। बोलिए हाँ या ना। आज मैं ना आउट हो गया, पर रिलायंस तो इन था, इन है, इन रहेगा। सुदर्शन अग्रवाल से महेश, महेश से वारिका, वारिका से केयूर होता रहेगा। बट वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना मेरे बच्चे, क्लियर। तो ये लड़ाई का मुद्दा नहीं रहना चाहिए। घटिया बातों में टाइम वेस्ट नहीं करके काम का बात में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल तीनों लिख लो। तीनों एग्जाम्पल लिखो, डेटर क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर ब्रैकेट में उधर में डैश करके लिखो, बताइए किस एंटिटी के लिए क्या है। फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन सर अभी हम लोग फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़े नहीं है, बस अब लग रहा है कि हां अब होने वाला है। लिख लो एफ ए डैश एफ एल। एफ ए एफ एल बोलेंगे, हाँ एफ ए एफ एल इक्विटी बहुत यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल जब भी लिखना है ए बी सी डी करके लिखते जाना। बी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कॉमा डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स कर देना। क्या लिख रहे हो ब्रैकेट में, क्या लिखना है या डैश करके क्या लिखना है? एफ ए एफ एल। अब लिखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कॉमा इक्विटी कैपिटल। क्या लिख रहे हो? एफ ए इक्विटी। ओके, सो ये मेरा डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है। अब आप चलो पैराग्राफ नंबर 3 में। व्हाट इज ए फाइनेंशियल असेट? आप कुछ बोलेंगे या मैं स्टार्ट करूं? Anything that you want to say? मैं बोलूं? छोड़ दो तुम, सभी असेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। फाइनेंशियल असेट का डिस्कशन करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर लेंथ में जाएंगे, ढंग से जाएंगे, तो इट विल टेक एटलीस्ट 20-25 मिनट्स और इवन मोर टू डिस्कस दिस, और हम लोग लेंथ में जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल असेट का डेफिनेशन इंक्लूसिव है। ऐसे नहीं लिखा फाइनेंशियल असेट इज, ऐसे लिखा फाइनेंशियल असेट इंक्लूड्स। और हां बेटा आराम से, हां हां आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप सभी स्टूडेंट लोग बुक में पेज नंबर 11 में चले जाओ। ठीक है, उसका बी नंबर पैरा, ए को टिक लगा दो और बी को टिक लगा दो। इसके बी नंबर पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। आप उस बी नंबर पैराग्राफ में देखिए ए बी सी डी ई करके 5 पॉइंट है। उस ई में देखिए 2 पॉइंट है। हेलो जल्दी, तो हम ए बी सी डी ई एफ करके उसको 6 पॉइंट बना देंगे। 5 का 1-2 नहीं करके उसको 6 बना देंगे, तो तुमको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ई और एफ जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ई और एफ अभी आज जब हम तुमको बताएंगे, यू विल अंडरस्टैंड 80%। रेस्ट 20% जब उसका डिस्कशन अलग से आएगा फोकस में,
तो तुमको समझ में आ जाएगा, उतना फेथ रखना। और अगर पहली बार में 100% समझ में आ जाएगा, बढ़िया है, आई मीन इट्स गुड, आपका लर्निंग ठीक है। ओके, कॉपी में लिखना चालू करो। ए फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग, कैश, बोलिए, कैश इज अ फाइनेंशियल असेट। सर कैश फाइनेंशियल असेट है क्या? कैसा असेट है तुम बताओ? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इनको बोला जाता है रियल असेट। क्या बोलते हैं? रियल असेट। इस तरह के जो असेट होते हैं, कैश, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड, पीपीएफ, दे आर ऑल कॉल्ड फाइनेंशियल असेट्स। लोग पूछते हैं ना कि फाइनेंशियल असेट तेरे पास कितना है, रियल असेट तेरे पास कितना है, तो कैश को फाइनेंशियल असेट में रखना है आज से। ओके, तुम लोगों के मन में क्या होगा, सर फाइनेंशियल असेट माने खाली शेयर डिवेंचर? नो, डेटर इज ए फाइनेंशियल असेट, योर डेटर इज ए फाइनेंशियल असेट, वट एवर लोन यू हैड गिवन टू आउटसाइडर्स इज ए फाइनेंशियल असेट। नहीं समझे? तो सर कैश इज ए फाइनेंशियल असेट, चलिए बात पकड़ में आया, मानते हैं, चलिए आपने डेफिनेशन बोला, मानना ही तो ठीक है कैश को। अरे असेट तो आप बोल ही रहे, अब साला रियल असेट हो या फाइनेंशियल असेट हो, असेट साइड में तो आना है कि नहीं? अब कैश तो कोई भी माल बेचेंगे तो कैश मिलेगा, कुछ भी बेचेंगे तो कैश मिलेगा, तो बचपन से डेबिट करते आए हैं। आज खाली आपने इतना भर तो बोल दिया कि इट इज ए फाइनेंशियल असेट, और तो कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन सर इज कैश अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इज इट एसेट फॉर समबडी एंड लाइबिलिटी फॉर समबडी? इट्स ओनली असेट फॉर अस, इट्स ओनली असेट फॉर अस, वो किसी और के लिए लाइबिलिटी नहीं है। बोलिए हां। लेकिन वही अगर कैश एट बैंक है तो मेरे लिए असेट और बैंक के लिए लाइबिलिटी है, एट दैट टाइम देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बोली हाँ या ना? ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द बैंक। लिखो, कैश के सामने वो वर्ड लिख दो डैश करके, या नीचे में, या कैसे भी, कि इट इज ए फाइनेंशियल असेट, या इट इज ए फाइनेंशियल असेट for entity holding it but not a liability oblique equity for any other entity, मानते हो? oblique equity फॉर एनी अदर एंटिटी, लेकिन फाइनेंशियल असेट है। कोई तुमको बोलेगा कैश रियल असेट है कि अच्छा फाइनेंशियल असेट का रियल असेट से ही लड़ाई होता है, माने फाइनेंशियल और रियल दो ही लड़ाई है। ओके, तो कैश एक फाइनेंशियल असेट है, आज से मानना है। अब लिखो वहीं पे लिखो, अच्छा नॉट ए फाइनेंस लिख दिया ना, डैश करके लिख दो, सो इट इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज सच। सेकेंड बी में लिखोगे, ये जैसे ही आपको ये छह पैराग्राफ कंप्लीट होगा, आपको फाइनेंशियल असेट समझ में आने लग जाएगा। जो फाइनेंशियल असेट नहीं है और असेट साइड में आ रहा है वो रियल असेट है।
और ऐसे नॉर्मली नॉर्मली स्पीकिंग जो है ना, फिक्स्ड असेट, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं ये लाइन भी बोलूंगा। अब तुम साला पहले दिन ही पहला लाइन में पूछ लिया जो मुझे एक घंटा बाद बोलना था। तो फिक्स्ड असेट, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये तीन असेट ऐसा है जो नॉर्मली स्टूडेंट को नाम से दोस्ती करनी होती है ना, ये तीन असेट ऐसा है जो फिनेंशियल असेट नहीं है। बाकी असेट साइड में जो भी असेट आता है वो फिनेंशियल असेट है। अब सर ऐसा क्यों है, ये हमको इसको पढ़ाने दो, हम जरूर ये वाला बात करेंगे। अब इसके ऊपर अभी अभी आप बात करके गए हो, एक बार और बात कर लो। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलायंस फॉर अस इज ए फिनेंशियल असेट। ऑब्वियसली वी शुड बी होल्डिंग इट टू से इट अ फिनेंशियल असेट फॉर अस, हमें तो खरीदना पड़ेगा, तब तो हम बोलेंगे। तो बेवकूफी वाला बात वो नहीं करना, वो नॉर्मल बात है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी इज ए फिनेंशियल असेट, इसीलिए बोला गया ऑफ अनदर एंटिटी। रिलायंस उसको फिनेंशियल असेट नहीं बोलेगा, वो इक्विटी बोलेगा। क्लियर? सी चलाना है? ओके अनुपम नीचे आओ, लिखो ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फिनेंशियल असेट बस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट माइंड माय वर्ड्स, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो हमको इस चीज का अधिकार देता है कि हमें कैश मिलेगा। एक तो एसी बंद करो ना, कोई सा भी बीच वाला बंद करो, चार पांच में से। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो हमें यह अधिकार देता है कि हमें राइट टू रिसीव कैश है, पहले इस पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो हमें ऐसा राइट देता है कि हमें राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट है। वैसे कैश भी एक फिनेंशियल असेट है, वैसे कैश भी एक फिनेंशियल असेट है। बोली नॉर्मल डेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल। अब यहां से देखो कि तुमको ऐसा फील होना चालू होगा कि यस डेटर इज ए फिनेंशियल असेट। अभी तक डेटर इज ए डेटर, फाउंडेशन इंटरमीडिएट में डेटर माने डेटर। अब आपको यह फील होना होगा कि यस डेटर इज ए फिनेंशियल असेट बिकॉज सी नंबर पैराग्राफ को वो हिट करता है, और एकदम इजीली हिट करता है, मतलब टारगेट प्रॉपरली हिट, बुलसाई टाइप का नहीं। अब एक ऐसा एग्जांपल दो कि देयर इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव नॉट कैश बट एनी अदर फिनेंशियल असेट। आपके पास कुछ ऐसा चीज है जिससे आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलता है टू रिसीव एनदर फिनेंशियल असेट। मेक एनी एग्जाम्पल, आप फाउंडेशन इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ भी पढ़े हो जिससे आपको यह लगता है कि अगर यह असेट आपके पास है तो दिस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एनदर फिनेंशियल असेट अदर देन कैश। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, वॉरंट, बोलिए कैसे? अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है ना कि आपको बाद में इक्विटी शेयर ऑफ एनदर एंटिटी मिलेगा। एग्जांपल लिखेंगे बेटा हम लोग एकदम धीरे धीरे करके प्यार से। अच्छा आप भी अपना लिखते रहना, पर बाद में हम भी लिखाएंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही चीजों को क्लियर करेगा फ्यूचर में, क्योंकि आप एग्जाम देंगे साला 22-23 में जाकर के, थोड़ी आप 21 में एग्जाम देने वाले हैं। बोलो, कन्वर्टिबल डिवेंचर, वॉरंट अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो दे ऑल विल गिव मी अनदर फिनेंशियल असेट इन फ्यूचर एंड आई हैव ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट फॉर दैट, यस और नॉट? नीचे लिखो,
एग्जाम्पल्स आर डेटर्स, कॉमा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एटसेट्रा, बस इतना लिख के छोड़ दो। अब लिखो डी, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज विथ अनदर एंटिटी with another entity under favorable terms and conditions. अब एक बार पैराग्राफ को लाउडली मेरे साथ पढ़ो, माने आप मेरे लिए पढ़ो। A contractual right to exchange FA oblique FL with another entity under favorable conditions. Short में इतना ही, मतलब मेरे पास एक ऐसा अधिकार है, financial asset का बात बोल रहे हैं, financial asset is a, D number पढ़ा रहा हूं, A financial asset is a contractual right to exchange FA oblique FL with another entity under favorable conditions. अब इसमें जो C number, ये D है ना, ये D है ना, C number में already हम इसका hint दे चुके हैं, convertible debenture के केस में, convertible debenture was a financial asset जिसके बदले में मेरे को दूसरा financial asset मिलने वाला है ना, तो वो ऊपर में भी हम बात कर चुके हैं, okay? और डी में भी हम वही वाला बात कर रहे हैं। अब डी में प्रॉब्लम क्या है कि आपको यह समझना है कि फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब यह है कि अगर एक्सचेंज में असेट मिलने वाला है, माने असेट के अगेंस्ट में असेट, इधर देखो, असेट के अगेंस्ट में देखो, इधर में ए रहेगा, यह मेरा वाला है, यह मेरा वाला है, यह मिलने वाला है, तो एक्सचेंज में तो मेरा वाला जाएगा तो मिलने वाला आएगा, एक्सचेंज उसी को तो बोलते हैं। तो अगर असेट के अगेंस्ट में असेट है, हेलो ध्यान दे इधर, अगर असेट के अगेंस्ट में असेट है तो फेवरेबल का मतलब जानते हो क्या है, ये मिलेगा, दैट इज फेवरेबल। सर फेवरेबल माने तो प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। फेवरेबल कंडीशंस मींस असेट जब जाएगा तो असेट आएगा। मेरा वाला जो फाइनेंशियल असेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस फाइनेंशियल असेट गिव्स मी ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एन असेट, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। और सर असेट के बदले में लायबिलिटी भी लिखा हुआ वहां पे कि फाइनेंशियल असेट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल कंडीशंस, बोलो बोलो इधर देखो। तो सर यहां क्या बोलेंगे आप, यहां बोलेंगे असेट जाएगा तो लायबिलिटी जाएगा, क्या बोला, असेट जाएगा तो लायबिलिटी जाएगा। सो आई हैव एग्जांपल दूंगा, आई हैव ए फाइनेंशियल असेट विच गिव्स मी ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी विथ अनदर एंटिटी, टू एक्सचेंज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी विथ अनदर एंटिटी। अब इसका स्टोरी सिंपल सा है कि अगर मैंने
इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर किया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अच्छा, ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनेंगे, क्योंकि अभी आप इंटर का नॉलेज लेकर के बैठे हो मेरे पास, तो हमको उसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नए नए इस तरह के एग्जाम्पल बतेरे बनते जाएंगे, ओके। बस अभी आपको एक एक पैरा एक्सप्लेन हो जाए, उसके लिए हमको जो एग्जाम्पल लेने हैं वो वही वाले लेने पड़ेंगे जिस पे आपका दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है। अब आप इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर की बात कीजिए, इज इट एन असेट, जल्दी बोलो इज इट एन असेट। अब इसके बदले में हम अपनी एक दूसरी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं कि नहीं, हमको बताइए। यही फेवरेबल कंडीशन है। और अगर हम दूसरी कंपनी का डिवेंचर खरीद के रखे हैं तो कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल वाला, तो एक असेट जाएगा और दूसरा असेट आएगा, नहीं समझे? तो दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वेर आई कैन एक्सचेंज माई फिनेंशियल असेट एंड आई कैन गेट आइदर ए फिनेंशियल असेट और आई कैन रिड्यूस माई फिनेंशियल लायबिलिटी, वी कॉल इट फिनेंशियल असेट। ऑब्वियसली कंडीशंस आर फेवरेबल, लिखो, स्टार लगा लगा करके लिखना यहां पर। हाँ, फेवरेबल कंडीशन मीन्स favorable condition means increase in asset as well as decrease in liability, ठीक है? अब उसके नीचे लिखो, एन एग्जाम्पल कैन बी, स्टार लगा के नीचे लिखना, एन एग्जाम्पल कैन बी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन CCPS, कैपिटल में लिखो। ये CCPS वर्ड आगे बहुत बार यूज होगा क्लास में। क्या हो सकता फुल फॉर्म? कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, या CCD, कैफे कॉफी डे नहीं है, CCD, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर, OCD, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये सब वर्ड यूज होंगे, ओके? क्या लिखा? एन एग्जाम्पल कैन बी इन्वेस्टमेंट इन CCPS हां कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, in which we will get an asset for an asset. बोलिए, in which we will get an asset for an asset. एक asset के बदले हमें एक लाइबिलिटी, एक असेट मिलेगा, ये फेवरेबल। असेट के बदले अगर असेट मिलता है फेवरेबल, असेट के बदले अगर लाइबिलिटी गिरती है फेवरेबल, ओके? नीचे लिखो अनदर एग्जाम्पल कैन बी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने अपने लाइफ में यह नाम सुना है,
इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल अभी लिया कि आप जब क्लास खत्म करके जाएं तो आपको लगे कि हाँ हम ढंग का चीज पढ़ के आए हैं। नए नए नाम्स और सामने आएंगे तब बोलते जाएंगे हम। इन विच आवर लाइबिलिटी विल कम डाउन अगेंस्ट आवर असेट डन। नेक्स्ट, तो इस तरह के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं? फाइनेंशियल असेट है। एक बार आंख बंद करके चार लाइन बोलो। फाइनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ओब्लिक जो अनदर फाइनेंशियल असेट है ना, वो ओब्लिक अनदर फाइनेंशियल असेट को वहां से गायब कर दो, उसको नीचे वाले में रखो। ठीक है, तो इट इज कैश, इट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एफ ए ओब्लिक एफ एल अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो इसको ऐसे करते हैं, इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव फिक्स्ड रिसीव फाइनेंशियल असेट और रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। टू रिसीव फाइनेंशियल असेट और रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ऐसा करते हैं। ये अपने बातचीत में थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को। अब लिखो ई, ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल गिव अस ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल गिव अस वेरिएबल नंबर ऑफ our own equity shares sir। लेकिन derivative contract क्या होता है, अभी हम लोगों को उतना confidence नहीं है, पर उनको होगा जो लोग का SFM पढ़ा हुआ है, और हम आपको वो confidence दिला देंगे तीन class के बाद, क्योंकि derivative का अलग से discussion आएगा। वैसे जब भी टीचर लोगों ने कभी भी आप लोगों को डेरिवेटिव्स बोला है तो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स वगैरह को लेकर के बातचीत किए होंगे। हम लोग करेंगे ऑप्शन अकाउंटिंग, फ्यूचर अकाउंटिंग, फॉरवर्ड अकाउंटिंग, सब चीज हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, माने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस है। नॉन डेरिवेटिव माने प्लेन, जो आप और मैं जानता हूं, आप और मैं इंटर फाउंडेशन में जो पढ़े हैं वही नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सारे जो भी हमने आज तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है, इंटर में और फाउंडेशन में और बीकॉम में और आज तक, वो सारे नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थे। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट, फॉरगेट डेरिवेटिव, नॉन एनी कॉन्ट्रैक्ट बोलो, दैट विल गिव अस वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर। रुको रुको रुको, वी हैव टेंशन नहीं नहीं नहीं, रुको। एनी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग फाइनेंशियल असेट का डेफिनेशन कर रहे हैं। ए फाइनेंशियल असेट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स अस द राइट टू रिसीव आवर ओन इक्विटी शेयर्स बट इन वेरिएबल नंबर। अगर यही, सुनना बेटा, हाँ मतलब बवाल चालू हो गया जिंदगी का। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने का वादा करे तो वो फाइनेंशियल असेट नहीं होगा, वो इक्विटी ट्रांजैक्शन बन जाएगा। मैं बताऊंगा अभी, दैट विल बिकम एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, एंड इफ दैट विल बिकम एन इक्विटी ट्रांजैक्शन उसकी अकाउंटिंग अलग स्टाइल से होगी। फाइनेंशियल असेट के अकाउंटिंग के अंदर वो कवर नहीं होगा। इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ओके तो सर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स राइज टू ए राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं, आप रेडी हैं? मान लीजिए हम लोगों की एक कंपनी है, कंपनी का नाम बोलो। हम लोगों की ये ए लिमिटेड,
मैं तुम सब इसके मालिक, हम लोग ए लिमिटेड का बुक्स बना रहे हैं, ए लिमिटेड हमारी, यही सोच के बात करना है। ओके, हमने मनोज को एक लोन दिया 200 करोड़ रुपया, हमने मनोज को एक लोन दिया 200 करोड़ रुपया, वी गेव इट टू हिम, हम लोग 4 साल के लिए लोन दिए, हम लोग उसको बोले 4 साल में तेरे को 1 रुपया भी रीपेमेंट नहीं करना है, डोंट पे मी एनी इंटरेस्ट, डोंट पे मी एनी प्रिंसिपल बैक, कुछ रुपया मत दो हमको। 4 साल बाद इसमें 12-12% 10-10 करते हैं, 10-10% सिंपल जोड़ के, 10-10 माने 20-20 करोड़ रुपया सिंपल जोड़ के, सिंपल ऐड करके 280 करोड़ रुपया होगा, 20-20-20-20 4 साल बाद 280, इतना रुपया का मेरी कंपनी का हमको इक्विटी शेयर दे देना, इतना रुपया का मेरी कंपनी का हमको इक्विटी शेयर दे देना। तो बोला कितना इक्विटी शेयर देना है, मैं बोला उस दिन मेरी कंपनी का जो मार्केट प्राइस रहेगा, करंट मार्केट प्राइस एज ऑन 142025 और ये है 142021। सर इसी तरह का बवाल होगा पूरी जिंदगी में आने वाले 15 दिनों तक, ओके, सो भरोसा रखना कि हाँ हम सीख के जाएंगे अच्छे से। 4 साल बाद 280 करोड़ रुपया का हमको मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर देना है। अब तुम बोलोगे सर हम कहां से लाएंगे, तुम मान लो कोई मनोज है वो कहां से लाएगा, उसके पास है, उसके पास हमारी कंपनियों की इक्विटी शेयर है, नहीं रहेगा अगला खरीद के लाएगा, मेरे बाप का क्या जाता है। तो वो हमको जो इक्विटी शेयर देगा खाली उसका बात करो, वो वेरिएबल नंबर है या फिक्स्ड नंबर है, क्यों वेरिएबल है, गुड, Why do you think that it is variable? क्योंकि मार्केट प्राइस उस दिन से डिसाइड होगा, मार्केट प्राइस उस दिन से डिसाइड होगा जिस दिन एक्सपायरी होगा कॉन्ट्रैक्ट का, बोलिए हाँ या ना, और हम लोग उसको रियल में पैसा दिए हैं कि नहीं, 200 करोड़ रियल में पैसा दिए हैं कि नहीं, क्या हमें मालूम है हमें कितने शेयर मिलेंगे, डू वी नो हमें कितने शेयर मिलेंगे, आंसर इज नो। So, अगर हमें मालूम नहीं है हमें कितने शेयर मिलेंगे, दैट मीन्स दैट विल बी सेटल्ड इन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर उस वक्त हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस 28 रुपया रहा तो हमको 10 करोड़ शेयर मिलेंगे, अगर 2.80 रुपया रहा तो 100 करोड़ शेयर मिलेंगे, बोलो हाँ, और अगर 500 रुपया रहा तो पॉइंट कुछ शेयर मिलेंगे, माने 280, कैलकुलेटर उठाओ 280/500 लिखो, .56 करोड़ शेयर मिलेंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी फिनेंशियल असेट है, ओके, लेकिन इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, हाँ इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूं, मैंने सुनील को 200 करोड़ रुपया दिया, 4 साल के लिए रहेगा ये बैलेंस शीट में, 4 साल के बाद आप हमको 3 करोड़ इक्विटी शेयर मेरी कंपनी का दे दीजिएगा, फिक्स है 3 करोड़, मार्केट प्राइस कुछ भी हो कहीं भी हो कैसा भी हो, आप हमको 3 करोड़ शेयर दीजिएगा, मेरे को जो मिलने वाला है मेरी, अच्छा मेरी कंपनी का, मेरी कंपनी होना चाहिए, ई और एफ में मेरी कंपनी है, हेलो, दूसरी कंपनी वाला कहानी नहीं है, आवर ओन इज द मेन क्रक्स, क्लियर। तो आप मुझे अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने वाले हैं मेरी कंपनी का, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरी कंपनी का देने वाले हैं, मैंने जो तुमको 200 करोड़ रुपया दिया था उसके बदले, तो फिर इस 200 करोड़ रुपया को फिनेंशियल असेट बोल नहीं पाएंगे। सर मतलब असेट नहीं है आपका, असेट है, फिनेंशियल असेट नहीं है, तो सर ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, इक्विटी ट्रांजेक्शन। सर इक्विटी ट्रांजेक्शन मीन्स
ऑलमोस्ट लाइक ए बाईबैक ऑफ इक्विटी के लिए एडवांस पैसा दिए। क्या बोला? ऑलमोस्ट लाइक अ बाईबैक ऑफ इक्विटी के लिए एडवांस में पैसा दिए हैं। अब तुम्हारा शिकायत, स्टूडेंट का शिकायत, सर यहां पे भी तो बाईबैक ऑफ इक्विटी होगा इस वाले एग्जांपल में, इधर वाले मेरे बस यहां नंबर है तो आपको नहीं पता, पर यहां भी तो अल्टीमेटली तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो आप अपना ही कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदने वाले हैं, तो इस बाईबैक में और इस बाईबैक में क्या फर्क है? अंदर मन में क्वेश्चन बन रहा है ना, सर हम लोग के तो नहीं बन रहा था, आप बना दिए तो हमको बनाना जरूरी है, अगर तेरे नहीं बने तो, और तेरे बन जाए तो हमको बताना जरूरी है। तो सर यहां भी तो और यहां भी दोनों में तो सेम ही तो कहानी हो रही है, बस यहां नंबर नहीं पता पहले से, यहां नंबर पता है पहले से। अब सुन, अगर नंबर पता है पहले से, अगर नंबर पता है पहले से, तो फिनेंशियल असेट का जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आज के एंड की तरफ या कल, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे शेयर के दाम जितने भी बढ़े गिरे उसमें हम फर्क का अकाउंटिंग नहीं करेंगे, डिफरेंसेस का, बिकॉज ये इक्विटी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग है, और इक्विटी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हम अलग से पढ़ाएंगे तुमको, बट अभी से बोल दे रहे हैं यहां कोई फेयर वैल्यू मूवमेंट नहीं होगा, कोई फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग नहीं होगा। कब? इफ आई एम गेटिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ माई ओन इक्विटी शेयर अगेंस्ट एनी असेट, बट इफ आई एम गेटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट माई असेट, मुझे इसको फिनेंशियल असेट मानना पड़ेगा, और फिनेंशियल असेट के हिसाब से मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मे इट बी ए फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट FVTPL, मे इट बी एन FVTOCI, मे इट बी एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब वो वाली फीलिंग दिए जो पिछले कुछ दिनों में दिए थे और फर्स्ट क्लास में भी दिए थे, ओ सर यही सब जो आप फिनेंशियल असेट पढ़ा रहे हैं यही सब आइदर FVTPL बनने वाला है, या FVTOCI बनने वाला है, या AC अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनने वाला है। ट्रू, ट्रू। तो सर आप क्या बोल रहे हो, अगर आपको किसी असेट के बदले या किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले वेरिएबल नंबर ऑफ योर ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है तो आप उसको फिनेंशियल असेट बोलेंगे, और असेट वाली अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो तो पढ़ेंगे, और अगर आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ योर ओन कंपनी मिलने वाला है तो आप उसको इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, आप उसको इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और इक्विटी ट्रांजैक्शन की जैसे अकाउंटिंग होती है वैसे अकाउंटिंग करेंगे जो आप अभी पढ़ाएंगे, दोनों ही हमको पढ़ाना बाकी है। आंसर इज यस। डिफिकल्ट है कि ठीक है? अच्छा, पेन स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन डिफिकल्ट लगा कि पकड़ में आया? देख, पकड़ में आना जरूरी है, डिफिकल्ट तो हर चीज लगेगा जो भी पढ़ाएंगे, नथिंग इज इजी, अगर मैं बोलूं तो एवरीथिंग इज न्यू एंड एवरीथिंग इज इजी वंस वी नो, तो नो और नॉट नोन का ही तो फर्क है। इजी और डिफिकल्ट क्या, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, मेरा हमेशा का एक आदत है, इजी और डिफिकल्ट क्या है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इफ यू नो इज इजी। तमिल का, तमिल जो लैंग्वेज है उसका तुमको कख गग आता है? तेरे लिए वो डिफिकल्ट है? बोलो हाँ, पर वहां तो छोटा बच्चा को भी मालूम है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, इनफॉर्म्ड और नॉट इनफॉर्म्ड इज द डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट एंड इजी। नहीं लिखो, क्या लिखा? ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फिर से बोलो, ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल गिव अस, हाँ वही बोल रहे हैं, दैट विल गिव अस, माने कुल मिला के समझो दैट विल बी सेटल्ड, विच विल गिव अस के साथ ब्रैकेट में टू ऊपर में वर्ड लिख लो, विच विल बी सेटल्ड, हाँ राइट टू रिसीव, यस ठीक है। अब इसके नीचे में एग्जाम्पल लिखो, ए लिमिटेड गिव्स 200 करोड़ टू मनोज
200 करोड़ टू मनोज एंड कॉन्ट्रैक्टेड टू रिसीव द मनी बैक इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इटसेल्फ आफ्टर टू ईयर्स at the current market, at the market price per share at the end of second year. डेट के साथ अच्छे से बताओ. आज का दिन पकड़ लो और दो साल का दिन पकड़ लो. हम लोग ए लिमिटेड पकड़ लो. हम लोग ने मनोज को क्या किया? 200 करोड़ रुपया दिया और क्या बोला? दो साल बाद. आज का डेट क्या है? 30 जुलाई 2021. दो साल बाद 30 जुलाई 2023. आज के दिन हमारे शेयर का मार्केट प्राइस है 40 रुपया. 200 हम उसको दिए. क्या वो हमको 5 करोड़ शेयर देने वाला है या 30 जुलाई 2023 को जो शेयर का दाम होगा उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकलेगा? 30 जुलाई 2023 को जो मार्केट प्राइस है हमें मालूम है? कुछ भी हो सकता है. तो हमें जो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा हमें मालूम है? नहीं. कुछ भी हो सकता है. जल्दी बोलो. अगर 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 ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है तो फाइनेंशियल एसेट में आ जाएगा. क्लियर? लिखो. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्या ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच विल बी सेटल्ड इन आवर ओन इक्विटी शेयर्स? Yes. क्या वी नो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी विल रिसीव ऑन टूडे, ऑन द फर्स्ट डे? नो. दैट मीन्स वी विल रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स. दैट मीन्स इट इज ए फाइनेंशियल एसेट. क्लियर? नेक्स्ट. इसको वो वाला एग्जांपल भी दे दो कि फिक्स नंबर होने से ये इक्विटी ट्रांजैक्शन बन जाता. लिखो, पैरा चेंज करके लिखना. हा, हाउ एवर इफ क्या, हाउ एवर इफ मनोज वॉज टू pay a limited by giving say 5 crore equity shares at the end of second year the transaction will be called an equity transaction
एंड पूरा सुनना बेटा हाँ, एंड दिस मनी जो हमने उसको दिया 200 करोड़ रुपया विल बी शोन SHOWN शोन बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द इक्विटी एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन. And it is considered as an equity transaction. अब दोनों फर्क समझ में आ गया, एक का एंट्री दूसरे का एंट्री बताओ. अगर 200 करोड़ रुपए हम उसको दिए और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा तो वो फाइनेंशियल असेट है. 200 करोड़ की जर्नल एंट्री बताओ, फाइनेंशियल असेट अकाउंट बोलो ना एक बार, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बोलो ना, लोन गिवन टू सुनील उनील नाम हो गया, फाइनेंशियल असेट टू बैंक. और अगर हमको फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा तो एंट्री बताओ, इक्विटी टू बैंक. अब तुम बोलोगे सर इक्विटी में शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और लफड़ा आज कर दें, नहीं वो दो साल बाद करेंगे, आज खाली इक्विटी से माइनस करके दिखाना है, आपका जो टोटल इक्विटी है उससे लेस करके दिखाना है. Got it? Next. एक तरह से ना वो जो 200 करोड़ रुपए हम उसको दिए हैं वो एडवांस फॉर बाईबैक है, वो एडवांस फॉर बाईबैक है. हाँ बट एडवांस है ना, बाईबैक तो एग्जैक्टली दो साल बाद एग्जीक्यूट होगा ना, आज तो एडवांस ही है ना एक तरह से. अब लिखो F, समझ में आया? F, a derivative contract which will be settled settled by which will be मैं इंस्टीट्यूट का वर्ड लिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. विच विल बी सेटल्ड अदर देन, बाई को काटो, अदर देन बाई एक्सचेंज ऑफ a fixed amount of cash for a fixed number of our own equity shares. अदर देन को अंडरलाइन करना, फिर इसको इजी मैं करके देता हूं. पहले आप पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या सीखे. It's a derivative contract. It's a derivative contract. Sir, derivative contract क्या होता है? क्या derivative contract की characteristics होती है? किसको बोलते हैं derivative contract? चार दिन के बाद पढ़ाएंगे. तो सर ये वाला paragraph भी चार दिन के बाद explain हो तो अच्छा नहीं होगा? होगा. चार दिन के बाद हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे. तो सर अभी क्या करेंगे? अभी हम कुछ बात बता देते हैं कि मन में सुकून लेकर के चार दिन तक सो सको. इतना सा खाली तुमको कुछ दे देते हैं, ठीक है? बाकी चार दिन के बाद जिस दिन मेरा डेरिवेटिव का डिस्कशन होगा उस दिन आप मेरे को बोलना सर इसको भी बता दीजिए ना साथ में, अपन के पास तो कॉपी रहेगा ही, आप हमसे जरूर पूछिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी. तो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, पढ़ो क्या बोल रहा हूं. हाँ, अदर देन बाई
एक्सचेंजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर इक्विटी शेयर्स। अब इसको इजी कर, जो भी तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा सुन के, अच्छा सुन के कुछ तो समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ परेशानी भी हो रही होगी, तो उसको चार दिन के लिए थोड़ा इजी कर देने के लिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि अगर कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ओन इक्विटी शेयर में है, या हमारे बोलता हूं हमारे ओन इक्विटी शेयर में सेटल होने वाला है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारे ओन इक्विटी शेयर में सेटल होने वाला है और वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाला बात किए ना, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, बस नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हम मनोज को पहले पैसा दे दिए थे ना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में मनोज को बाद में पैसा देंगे, डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव में इतना सा फर्क होता है अभी के लिए, ठीक है। और थोड़ा और अच्छा से बोलते हैं, थोड़ा और प्यार से, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आने वाले दिनों में हम 500 बार बोलेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास कर जाता है, पास, तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है। क्या बोला? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास कर जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास कर जाता है तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है, और इसमें फेल कर जाता है तो फिर वो फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी कुछ भी बन जाए। क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल असेट का बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल असेट ही रहने दो। सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट का मतलब क्या हुआ? हमको जो मिलेगा, इधर मत देख मेरा चेहरा देख वारिका, हमको जो मिलेगा वो फिक्स्ड नंबर ऑफ माय इक्विटी शेयर, और हम जो देंगे वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश अगर है, देंगे और मिलेगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, हम जो देंगे वो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश है, और हम जो लेंगे वो अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है, वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है। और अगर इस दोनों में कोई भी एक चीज वेरिएबल हो गया, जो लेंगे या तो वो वेरिएबल हो गया, या जो देंगे वो वेरिएबल हो गया, तो वो फाइनेंशियल असेट है। पल्ले पड़ा? अब पढ़ो उस लाइन को, लाउडली पढ़ो, ए फाइनेंशियल असेट इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाई एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब पल्ले पड़ा मैंने क्या बोला? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दो लाइन और लिखो। स्टार लगा के नीचे लिखो। द टेस्ट इज called fixed to fixed test, the test is called fixed to fixed test, full stop, वहीं पे लिखना। If we will pay, we our own equity, yeah, we will pay fixed amount of cash, known amount of cash, determined amount of cash, एक ही वर्ड लिखना, if we pay fixed amount of cash and get fixed amount of, say, fixed number of our own shares in future, derivative contract क्या होता है? Future में settle होता है। क्या बोला? फिर से बोलो। एंड रिसीव फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आवर ओन इक्विटी शेयर्स देन इट इज ए इक्विटी ट्रांजैक्शन।
then it is an equity transaction. If any of the two तो जगह नहीं है क्या लिखा इफ एनी ऑफ द टू इज वेरिएबल देन इट विल बी ए फिनेंशियल असेट ये वाले ट्रांजैक्शन होते नहीं है प्रैक्टिकली सबसे नीचे वाला लेकिन एग्जांपल में रख देते हैं हम आपका मन मतलब हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दिए हैं एक चीज क्लियरली समझना ये हम देने वाले हैं और ये हम लेने वाले हैं उल्टा भी चलता है अभी एक बार समझने के लिए तुमको ये समझा रहे हैं बस उल्टा होने से क्या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाता है बट सेम स्टोरी है कौन सा इक्विटी ट्रांजैक्शन है और कौन सा फाइनेंशियल असेट है यस ये टेस्ट अगर पास हो गया ना तो इक्विटी ट्रांजैक्शन और बाकी सारे फाइनेंशियल असेट्स एक एग्जांपल दूं फाइनेंशियल असेट का हां किसी ने भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस का नाम सुना है आपने नाम नहीं सुना मतलब नाम तो सुना होगा बट हां आइडिया एकदम भी नहीं है सर जीरो आइडिया है आप लोगों को आइडिया भी है ओके तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं वारिका ठीक है लेकिन ना अगर तेरे को थोड़ा कम समझ में आए पांचवा दिन समझ में आ जाएगा तुम लोगों को समझ में आने लायक हम एग्जांपल दे रहे हैं मान लीजिए हमारी कंपनी है ए लिमिटेड हम ए लिमिटेड हैं ए लिमिटेड का शेयर मार्केट में ट्रेड करता है ए लिमिटेड का शेयर मार्केट में ट्रेड करता है ओके हमने इस कंपनी को लेकर के मान मेरी कंपनी को लेकर के राजेश नाम के एक बंदे से सौदा किया ठीक है आज के दिन इस शेयर मेरे शेयर का दाम है मान लो 100 रुपया आज के दिन 100 रुपीज दाम है हम राजेश से सौदा किए कि 1000 इक्विटी शेयर कितना 1000 इक्विटी शेयर हम तुमसे खरीदेंगे ओके 1000 इक्विटी शेयर हम तुमसे खरीदेंगे 3 महीना बाद हजार इक्विटी शेयर हम तुमसे
खरीदेंगे 3 महीना बाद, जो 3 महीना बाद इसका प्राइस होगा उस प्राइस पे हम खरीदेंगे, जो प्राइस 3 महीना बाद इसका होने वाला है। That many shares I will buy from you. तो मान लो 3 महीना बाद इसका प्राइस, अच्छा हम उसको 3 महीना बाद वो पैसा देंगे जो 3 महीना बाद प्राइस होने वाला है, और 1000 शेयर हम उससे खरीदेंगे। तो अगर 3 महीना बाद इस शेयर का प्राइस से 70 रुपीज हो जाता है, आज के दिन 1,00,000 रुपया है, अगर 70 रुपीज हो जाता है तो हम उसको कितना रुपया देंगे? 70,000, और वो हमको 1000 शेयर देगा। अगर प्राइस 90 रुपया हो जाता है तो हम उसको 90,000 देंगे, वो हमको 1000 शेयर देगा। अगर प्राइस 420 रुपया हो जाता है, हम 4,20,000 रुपया देंगे पर वो हमको 1000 शेयर देगा। अगर प्राइस 1700 रुपया हो जाता है, हम 1,700,000 रुपया देंगे और वो हमको 1000 शेयर देगा। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड है पर रुपया जो हम देने वाले हैं वो फिक्स्ड नहीं है। जल्दी, डिड यू गेट द पॉइंट? तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे रुपया भी बाद में होना है देना लेना, शेयर भी बाद में लेना देना है। दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि एक चीज इसमें वेरिएबल था, यह फिनेंशियल असेट की गिनती में आ जाएगा। इफ इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव आवर फिनेंशियल आवर इक्विटी शेयर्स, ड्रॉप करूं, बाकी जैसे ही डेरिवेटिव का डिस्कशन होगा उसमें आपको यह क्लियर हो जाएगा। सो आज की क्लास में फिक्स टू फिक्स टेस्ट का मतलब क्या हुआ? दोनों फिक्स्ड होना है। दोनों अगर फिक्स्ड हो गया, जो देंगे वो भी फिक्स्ड, जो लेंगे वो भी फिक्स्ड, और ओन इक्विटी शेयर में सेटलमेंट होना चाहिए, तो फिर उसको इक्विटी ट्रांजैक्शन बोल देंगे, और अदरवाइज वो फिनेंशियल असेट की गिनती में आ जाएगा। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस से पढ़ो, उस एफ नंबर लाइन को। ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिनेंशियल असेट। बोलो, ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिनेंशियल असेट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास करते ही इक्विटी ट्रांजैक्शन, फेल करते ही फिनेंशियल असेट। तो ये हमारा फाइनेंशियल असेट का डिस्कशन हुआ। ऐसे एक बात बोलूं, ई और एफ दोनों में, ई और ए, हां रुक, ई और एफ दोनों एकदम केयूर जो पकड़ा है बस उसको मैं बोलने वाला हूं। ई और एफ दोनों सेम है, एक डेरिवेटिव है एक नॉन डेरिवेटिव है, दोनों में कहानी फिक्स टू फिक्स ही है। और एकदम क्लियर रखना, फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास मतलब चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो नॉन डेरिवेटिव हो। बस डेरिवेटिव में क्या होता है ना बेटा, देना लेना दोनों ही बाद में करना है, नॉन डेरिवेटिव में देने लेने में से एक काम पहले हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो डेरिवेटिव का स्टोरी आने तो दो, बाकी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन डेरिवेटिव नेचर के तो बचपन से पढ़े हुए हम लोग। क्लियर है? एक बार 6 के 6 पैराग्राफ को आंख बंद करके रिपीट करो, आंख बंद करके। ए फाइनेंशियल असेट कंप्राइजेस कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज एफ ए ऑब्लिक एफ एल अंडर फेवरेबल कंडीशन, डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी सेटल्ड ऑन अ फिक्स टू फिक्स बेसिस। चलेगा? तो ये सारे फिनेंशियल असेट हैं, इसकी अकाउंटिंग जो हम लोग करेंगे वो फिनेंशियल असेट के हिसाब से करेंगे। डन? ब्रेक चाहिए कि मैं आगे ले लूं? ब्रेक चाहिए? ठीक, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
देरी हो गया। कॉपी में लिखो पैराग्राफ नंबर कितना होगा बेटा हम लोगों का, 4 लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, रेडी? अनुपम नीचे आओ। देखो एक बात ये है कि कोई भी फाइनेंशियल असेट हो, तीन क्लासिफिकेशन है, देयर इज नो फोर्थ क्लासिफिकेशन आइदर। अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन है, हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे ना तो हम लोग बोलते थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म करेंट, इस तरह से अकाउंटिंग होती थी, ठीक है। आज इनका अकाउंटिंग जो है ना लॉन्ग टर्म करेंट के हिसाब से नहीं है, दे मे बी लॉन्ग टर्म करेंट हाँ, बट आज इनका क्लासिफिकेशन है हाउ आर दे मेजर्ड इन द बैलेंस शीट। माने उनका जो नाम भी है ना दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आर दे मेजर्ड इन द बैलेंस शीट एंड वेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीमेजरमेंट गोज। जैसे एक तरह का फाइनेंशियल असेट का नाम है FVTPL, ये नाम है उसका कि फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, दिस इज द नेम कि व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल असेट इज दिस। तो तुम बोलोगे दिस इज ए फाइनेंशियल असेट विच इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो पॉपुलरली हम लोग अपनी क्लास में बोलेंगे FVTPL। पर साले को FVTPL बोलने के पहले तीन वर्ड बोलना पड़ेगा, क्या? इट इज ए फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट, ये वर्ड फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट, तो फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट, चार वर्ड और ऐड हो गए, तब बोलेंगे फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो नाम हम देंगे FVTPL बट सच में नाम है फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द नेम शॉर्ट में FVTPL। तो तुम बोलोगे सर ये कौन सी असेट है? आंसर इज ये वो असेट है जिसे मैं फेयर वैल्यू पे मेजर करता हूं और फेयर वैल्यू मेजरमेंट की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं उसे मैं PL में भेजता हूं। अब तुम बोलोगे सर ऐसा किसी भी फाइनेंशियल असेट को ऐसा असेट बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अब तो बोलोगे ना कि सर आपने बोला कि आई एम मेजरिंग दिस फाइनेंशियल असेट एट FVTPL, तो लोग तो पूछेंगे ना वाई, Why not FVTOCI? Why not amortized cost? पूछेंगे ना, तो that why का आंसर हम आपको करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज तो उसका आंसर पूरा नहीं दे पाएंगे, कल ही होगा क्योंकि आज तो काफी वक्त हो गया और आज थोड़ा सा मतलब हेवी डिस्कशन भी हो गया, बट कुछ तो बोल के जाएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट FVTOCI। कुछ लोग खाली FVOCI भी बोलते हैं, पर मैं बोलता हूं यहां टी बोला तो यहां भी टी क्यों नहीं बोलते हो? सर ये क्या है? ये वो फाइनेंशियल असेट है विच इज मेजर्ड एट, फुल फॉर्म बोलो, फेयर वैल्यू, पहले ऐसे बोलो विच इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। मतलब इस को भी हम फेयर वैल्यू पे ही मेजर करेंगे, दोनों में फेयर वैल्यू कॉमन है। अनुपम नीचे आओ जल्दी, ठंडा लग रहा है। दोनों में फेयर वैल्यू कॉमन है, बोथ द फाइनेंशियल असेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यूज। यहां फेयर वैल्यू मेजरमेंट का जो गेन लॉस है वो PL में जा रहा है, यहां फेयर वैल्यू मेजरमेंट का जो गेन लॉस है वो OCI में जा रहा है। तब आप पूछेंगे कि सर कौन सी वो फाइनेंशियल असेट है जिसे आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI बना रहे हैं और उसे फेयर वैल्यू थ्रू PL क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसा क्या आपने देखा कि दिस असेट बिकेम FVTOCI एंड दैट बिकेम FVTPL? वो नॉलेज हम देंगे तुम्हें आज।
अगर आज पूरा नहीं दे पाएंगे तो कल ना उतना टाइम देना होगा। और तीसरा है फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो तीनों में देखे पीछे वाला वर्ड कॉमन है, क्या बोलो तो? फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट, हेलो अनुपम सारा ऐसे बंद कर दे तो सारा, बहुत ठंडा लग रहा है तो फीवर हो जाएगा मेरे को। फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट कॉमन है। अब क्योंकि फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट कॉमन है तो उसको उखाड़ दिया गया, उसको फेंक दिया गया, अनुपम उसको साइड कर दी। तो आपको इतना ही बोलना है एफईटीपीएल है, एफईटीओसीआई है कि एसी है। तो एसी बोलने में खराब लगता है, एसी का कॉमन वर्ड साला एसी है, तो उसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, नहीं समझे? पर आप देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का स्टोरी नहीं है, नाम के साथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, नाम तो यही है। और देखो फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट एफईटीपीएल, फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट एफईटीओसीआई, फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब क्या हुआ? उसका नामकरण जो किया गया है नोमेनक्लेचर, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं किया गया, वो इस हिसाब से किया गया कि हमको बैलेंस शीट में लिखना कौन से दाम पे है, नहीं समझे? ऐसा नोमेनक्लेचर हमने कभी नहीं देखा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी चीज को साला मेजर जब माने बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे उस हिसाब से उसका नामकरण भी हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इसके अलावा और कहीं नहीं है, नहीं है। अरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पीपी का नाम पीपी है, नहीं समझे? पर यहां फिनेंशियल असेट का नाम ही फिनेंशियल असेट के मेजरमेंट के बेसिस पे दिया गया है। अब आगे बोलूं? अब सुनना बेटा, हाँ मतलब स्ट्रेंथ है कहानी में, नयापन तो है ही। एबीसीडी जो फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन पढ़े वो भी कितना नया था, तो एवरी टाइम एवरी डे एवरी मिनट आपको नया नॉलेज मिलेगा, उसको लेकर के रेस्ट अश्योर रहो। अब सुनिए, इसको पढ़ाने के लिए आपको मतलब ये तीनों क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको दो टेस्ट बोल रहा हूं, दो टेस्ट। एक टेस्ट का नाम है बिजनेस मॉडल टेस्ट और एक टेस्ट का नाम है कैश कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। खाली कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं पर इंस्टीट्यूट पीछे में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड लगाता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ठीक है? ये जब समझ लोगे तब ये समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ओके? क्या टेस्ट है? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट वो टेस्ट है जहां पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उस असेट के बारे में बात हो रही है। बिजनेस मॉडल टेस्ट में उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर के बारे में बात हो रही है, ठीक है? अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ये ताकत है कि वो आपको रीपेमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ नहीं देगा, क्या बोला? फिर से बोलो, प्यार से बोलो, दमा बच्चा जैसा। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में वो ताकत, बाकी एग्जैक्टली इंग्लिश वर्ड डेफिनेशन हम देंगे, हाँ ये समझदारी का क्लास है, अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ये ताकत है कि वो इन माने वो जो देगा वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है, टाइमिंग चाहे कुछ भी हो सकता है बट व्हाट यू आर गेटिंग इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, व्हाट यू आर गेटिंग इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड क्यों आया जब, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो दे रहा है टाइमिंग में डिफर, तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास कर रहा है। दूसरा, अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को, अगर आप एक इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे उतने पीरियड के लिए कि मैच्योरिटी तक आपके साथ रहे, आप
बेच करके उसका पैसा नहीं निकालेंगे। नहीं समझे? आपका जो पैसा लगा आप बेच करके नहीं निकालेंगे, आप उसको रखेंगे, मैच्योरिटी तक रखेंगे। दैट इज योर बिजनेस मॉडल टेस्ट। योर बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द असेट टिल मैच्योरिटी, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट, यू आर होल्डिंग इट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। दैट मच ऑफ गट्स यू हैव, दैट मच ऑफ कैपेसिटी यू हैव, दैट मच ऑफ लिक्विडिटी यू हैव। माने बीच में तेरा लिक्विडिटी क्रंच आने वाला नहीं है कि तुम इसको बेच करके रुपया रिकवर कर लोगे, तुम इसको रखोगे। दैट इज योर बिजनेस मॉडल टेस्ट। वो इंस्ट्रूमेंट की ताकत नहीं है, वो ताकत तुम्हारी है, इन्वेस्टर की है, एंटिटी की है, जो एंटिटी ये वाला अकाउंटिंग कर रहा है। घुसा बात दिमाग में? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बच्चों क्लोज करूंगा बस 10 मिनट में, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं? आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट करता साला, वो डेट इंस्ट्रूमेंट ही तो होता है। तो सर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे रे बाबा, करेंगे ही, वक्त लगेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, इफ आई एम टॉकिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहा, मैंने बहुत बढ़िया चीज घर लेकर के जाओगे, हम अश्योर कर देते हैं अभी से, जो गिफ्ट तुमको मिल रहा है पैसा दियो तुम उसके लिए, लेकिन इट्स गुड। अगर मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं और वो डेट इंस्ट्रूमेंट मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं देगा, और मैं उसको मैच्योरिटी तक रखूंगा, मैं उसको मैच्योरिटी तक रखूंगा, मैं बीच में बेचने वाला नहीं हूं, तो दैट काइंड ऑफ असेट, मैं डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, दैट काइंड ऑफ असेट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। वो ये है, वो ये है। टू, अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है और मैं उसको मैच्योरिटी तक रख भी सकता हूं और बेच भी सकता हूं, मान आई एम होल्डिंग द असेट बोथ फॉर, आई एम होल्डिंग द असेट, मेरा बिजनेस मॉडल ना, मेरा बिजनेस मॉडल, आई एम होल्डिंग द असेट बोथ फॉर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और बाय सेलिंग इट। नहीं समझे? अगर ऐसा है तो वो एफवीटी ओसीआई है। तो वो एफवीटी, वो आई एम टॉकिंग अबाउट डेट इंस्ट्रूमेंट ना, तो वो एफवीटी ओसीआई है। और अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक फेल हो रहा है तो वो एफवीटीपीएल है। मतलब मैंने सिर्फ बेचने के लिए ही होल्ड किया है, मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से कोई मतलब ही नहीं है यार, मेरे को तो बेचना है बॉस। है यार, हम लिए बेचेंगे, लिए बेचेंगे, हम तो डेट के ट्रेडर हैं। जो फील करना, हम तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक एक दिन में हजार हजार करोड़ रुपए का डेट लेते बेचते हैं, कंपनियों के लिए काम करते हैं एक एक दिन में, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही 5 पैसा का होता है। तो 1000 करोड़ का 5 पैसा माने कितना हुआ? 1000 करोड़ इंटू 0.05%, 100 रुपये में 5 पैसा वे, तो कुछ हुआ नहीं। वो 1000 करोड़ इंटू 0.05% इज 0.5 करोड़, नहीं 0.5 करोड़, करोड़ लिखे 50 लाख। तो कंपनियों के लिए काम करते हैं वो लोग, बड़ी कंपनियों के लिए, जो जो ट्रेडर होते हैं ना बड़े बड़े, जो वो लोग के लिए डेट फंड टाइप के जो लोग होते हैं। सुन बेटा, सुन सुन सुन, अगर मैंने ट्रेड करने के लिए बॉन्ड खरीदा है, माने मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से कोई मतलब नहीं है, 4 आना 8 आना, 5 पैसा दाम बढ़ा हम बेच देंगे, देन इट बिकम्स एफवीटीपीएल। हां, मतलब मेरे को मिलेगा अगर मैं कुछ दिन रख लिया ज्यादा, तो मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेगा, मैं उसको लूंगा जरूर, बट माई पर्पज इज नॉट दैट, आई एम होल्डिंग इट फॉर ट्रेडिंग, then it becomes FVTPL. घुसा दिमाग में? अब आइए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कभी भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई मैच्योरिटी है ही नहीं, तो हम मैच्योरिटी तक इसको होल्ड
कर ही नहीं सकते, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नो मैच्योरिटी। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कभी भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं बनेगा। बाय डिफॉल्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज FVTPL, बाय डिफॉल्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज FVTPL। बट अगर एक एंटिटी चाहे और इरिवोकेबल इलेक्शन, वर्ड्स पे ध्यान देना, इरिवोकेबल इलेक्शन करे कि हम मेरे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को FVTOCI पे मेजर करना चाहते हैं, तो उसके पास ये ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन इरिवोकेबल है और ये ऑप्शन आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन आपको बिगिनिंग में एट द इंसेप्शन ऑन द फर्स्ट डेट आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट FVTPL रहेगा, FVTOCI नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला? डेट में बहुत सारा लड़ाई है, नहीं समझे? डेट में बहुत सारा लड़ाई है। इफ यू सेड डेट इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी AC, इट कैन बी FVTOCI, इट कैन बी FVTPL। प्लेन इजी कर दूं, इजी करता हूं। अगर मैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को जिंदगी भर रखने वाला हूं तो वो AC है। अबे अगर मैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट को जिंदगी भर रखने वाला हूं तो वो AC है। अगर मैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करने वाला हूं तो वो FVTPL है। बाकी सारे डेट इंस्ट्रूमेंट FVTOCI है। ये याद करने के लिए, लिखने के लिए जो लिखाऊंगा वही लिखना होगा। टू, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVTPL ही होता है सारा। लेकिन अगर मैं एक इरिवोकेबल इलेक्शन बिगिनिंग में ही कर देता हूं कि मैं इसको FVTOCI में मेजर करने वाला हूं, तो वो FVTOCI है। माने FVTOCI मेरी इच्छा के हिसाब से होता है। बाई डिफॉल्ट तो हर चीज FVTPL होती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। किसी इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट को तुम AC बना ही नहीं सकते। अगर बना दिए तो गुनाह कर दिए। और डेट को तीनों बनाया जा सकता है। डेट में ट्रेडिंग भी की जा सकती है, डेट को जिंदगी भर भी रखा जा सकता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की तरह, और डेट को रखना भी है और बेचना भी है टाइप भी किया जा सकता है। अगर रखना भी है और बेचना भी है टाइप, तो FVTOCI। हाँ, माने मैं क्या बोलूं, मतलब शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है, मतलब मेरे को नहीं पता, छोड़ना। FVTOCI मैं रखूंगा यार, AC मैं बेचूंगा भाई, मेरे को रखना ही नहीं, मतलब चार आना मिले ना मैं बेचूंगा, छोड़। तू 3 पैसा का गेन हो जाएगा ना, तो अपन तो 50 लाख आ रहा है ना, अपन 1000-1000 करोड़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपन 1000-1000 करोड़ में ट्रेड कर, शाम को ही बेच देंगे। अभी लिए 2 बजे, माने 11 बजे लिए, 3 बजे तक बेच देंगे FVTPL। तो सबसे इजी डिस्टिंक्शन यही है रे, ट्रेड करने के लिए माल लिया FVTPL, जिंदगी भर रखना है AC, बाकी बीच में FVTOCI। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो, ये डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो AC कभी नहीं, बाय डिफॉल्ट FVTPL। मैंने अगर इरिवोकेबल इलेक्शन किया कि मेरे को रखना ही है, मेरे को FVTOCI बनाना ही है, तो वो FVTOCI। जैसे मेरा हर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने इरिवोकेबल इलेक्शन करके रखा है कि दे विल बी FVTOCI हर, और हर कंपनी यही करती है। एक मिनट, हर कंपनी यही, मेरा सेंटेंस कंप्लीट फिर तुम्हारा बात, हर कंपनी यही करती है। हर कंपनी जो भी इन्वेस्ट करती है ना इक्विटी शेयर में, वो लोग का इरिवोकेबल इलेक्शन फिक्स है कि हमको FVTOCI में ही लेके जाना है चीजों को, हम FVTPL में नहीं लेके जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। रोज रोज समझ रहे, मार्केट गिरेगा साला, PL में, बड़ा वाला PL में हिट आ जाएगा, OCI फिर भी नीचे में है, वो OCI भी PL के नीचे में ही दिखाते हैं, पर फिर भी OCI है भाई। ये स्टोरी लाइन है। तो सर फिर ये वाला क्या बोले थे फिर, तो लास्ट में आप किए ही नहीं, कैसे नहीं किए? ये वाला बात ही तो किए थे, डेट इंस्ट्रूमेंट है माने वो नेचुरली CCFC टेस्ट पास करेगा ही, पर करेगा,
बिकॉज वो जो देगा आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही तो देगा, बोलो हाँ। तो सीसीएफसी टेस्ट पास कर रहा है तभी तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, और मैं उसको जिंदगी भर के लिए होल्ड कर रहा हूं तभी तो वो बिजनेस मॉडल टेस्ट है। तो मैं उसको इजी कर दिया बोल करके, अब तुम बोले सर ये तो छोड़ छोड़ दिया आप, अबे नहीं ये वाला बात हम कवर किए, नहीं तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन नहीं करते क्या? आप ऑब्जेक्शन नहीं किए क्योंकि बाद के टाइम पे जब मैं बाद में बोलने लगा तो इन वर्ड को इग्नोर कर दिया इजी करने के लिए। बट यू मस्ट नो दैट ये सब इग्नोर्ड वर्ड नहीं है। मेरी तरफ से मेरा आज का डिस्कशन कंप्लीट। जाते जाते चीज अच्छा लगा जो हम लोग पढ़े, अकाउंटिंग प्रोसेस कल होगा, इसका राइटअप भी कल होगा, तब तक इस बच्ची का एक बढ़िया सा क्वेश्चन। बोलो बेटा मैंने पहले दिन क्या बोला था? अच्छा पहले दिन मुझे लगा ना फर्स्ट क्लास इंडेस वन में। हाँ बोल बेटा। हाँ अक्वायर करेंगे, जिस दिन हम लोग इन्वेस्टमेंट अक्वायर करते हैं उसी दिन हमें बोलना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू मेजर इट एट एफवीटी ओसीआई। तो ब्लैंकेट बोला हुआ रहता है इट्स बिटवीन ऑडिटर एंड अस। देख अपन को तो ईयर एंड में ही मेजरमेंट करना है, नहीं समझे? तो हम लोग ना पहला दिन जब लिखते हैं ना जर्नल एंट्री एफवीटी पीएल और एफवीटी ओसीआई का, उसके स्टाइल में ही अलग डिफरेंस है, उसको लिखने के तरीके में ही डिफरेंस है। अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं मान लो, तो आप वो डिफरेंस आपको कल दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे ओ बाप रे बाप ऐसा कहानी है। तो जो वैसे लिखा ना जो एफवीटी ओसीआई के जैसे, इसका मतलब उसने इरिवोकेबल इलेक्शन कर रखा है, और जो ऐसे लिखा ना यानी एफवीटी पीएल टाइप से, तो ये मतलब उसने वो इलेक्शन नहीं करके रखा है। तो ये हार्डकोर ट्रेडर ऑलवेज मेजर सिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन एफवीटी पीएल, नहीं नॉट ओसीआई, हार्डकोर ट्रेडर। और जो लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर है वो एफवीटी ओसीआई पे इक्विटी को मेजर करता है। ये समझ लो इक्विटी को लेकर के डिस्कशन है, क्योंकि इक्विटी में एसी होता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए मान लिया तो एफवीटी पीएल, थोड़ा भी रखने के लिए मान लिया तो एफवीटी ओसीआई। लेकिन हम आपके उससे डिसाइड नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे आपने इलेक्शन किया कि नहीं किया इरिवोकेबल वाला, नहीं समझे? ऑडिटर पहले आके यही क्वेश्चन पूछेगा कहां है आपका इलेक्शन। तो ब्लैंकेट इलेक्शन रहता है, पहला दिन ही वो लोग लिख के दे देते हैं ऑल माय इक्विटी शेयर्स विच आई विल बाय ऑफ अदर कंपनीज, हम उसको एफवीटी ओसीआई पे ही मेजर करेंगे, नहीं समझे? हाँ एक चीज और बोलना चाहते थे जाने के पहले, सब्सिडरीज वगैरह में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट्स वगैरह में, उसमें कॉस्ट पे मेजर करने का भी एक ऑप्शन है। माने वी कैन आइदर मेजर एट कॉस्ट और एज पर 109, नहीं समझे? तो उसमें वो सारे लोग कॉस्ट वाला ऑप्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें साला फेयर वैल्यू पे भी मेजर करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और बाजार में जो पैसा लगाते हैं ना कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में ही पैसा लगाती हैं, अपनी सब्सिडरी में भी पैसा लगाती हैं, तो बाजार में जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं एफवीटी ओसीआई पे रखते हैं, बिकॉज एफवीटी पीएल में प्रेशर हो जाएगा पीएल में। अचानक साला अगर मान लो बहुत बड़ा मार्केट गिर गया तो अचानक कंपनी को लॉस आ जाएगा। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। कल मॉर्निंग ओके। बोल दो हम खुश हैं। तुमको बोलना है मैं अभी इतना वेला हूं, एक मिनट ऑफ कर दे रहे सब। मैं अभी इतना